जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम चो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमेशा आपको नई नई और यूनिक जानकारी अगर हम प्रदान करते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती है और वो हमेशा फ़ायदा उससे पहुंचता है। उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आपको 100 बीमारियों का एक इलाज, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़े ताकि आपको हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज का ये जो दौर है, इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी पीड़ा से परेशान है और ये दिन प्रतिदिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यदि अभी तक आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, आप फिट हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी आपको जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उपायों की। जो एक उपाय जो जीवन में आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए, पहला और मुख्य उपाय है दोस्तों, अपनी दिनचर्या डिसाइड कर लें। खाने का वक्त, सोने का वक्त, घूमने फिरने का वक्त, सब कुछ एक मेंटेन कर लें। जो एक अस्त व्यस्तता है ना दोस्तों, मैं जानता हूँ आज की प्राइवेट नौकरी करना या कोई भी जॉब करना, कोई बिजनेस करना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलपूर्ण हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो किस काम का? अगर आप बीमारी रहेंगे, जब आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा, तो वो किस काम का? कोई काम का नहीं होगा दोस्तों। तो पहली बात है, अपनी दिनचर्या को सेटअप कर ले। 8 घंटे सोना है हमें, लगभग दिन भर में 5 किलोमीटर पैदल चलना है, नहीं 5 तो 3 किलोमीटर तो चलना ही होगा, लेकिन 5 चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज इतना आधुनिकता हो गई कि हम पैदल बहुत कम चल रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि दोस्तों, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे, पानी शुद्ध पिएगा, जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात है कि यदि कोई पीड़ा हो या कोई भी परेशानी हो, तो उसे 8-10 दिन तक खुद शरीर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं ठीक होती, तभी आप डॉक्टर के पास जाए और प्रिकॉशन लें, और डॉक्टर के पास भी जाके जेनेरिक दवाइयाँ खाइएगा, हाई डोज दवाइयाँ मत खाइएगा, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और ये जो तकलीफ है, ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको नई कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये आमतौर पर लोगों के साथ देखते हैं, ये ऑब्जर्व हो रहा है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, मुख्य जो बातें थी, दिनचर्या सेटअप सही करना है आपको, दिन भर में 5 किलोमीटर पैदल चलना है, अधिक से अधिक पानी पीना है, क्योंकि शरीर में 70% तो पानी ही रहता है दोस्तों, शुद्ध पानी पीना है। और एक और मुख्य बात है, आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। अगर आप महामृत्युंजय, वो मंत्र है जो शरीर में कोई भी चीज़ हो या कोई भी परेशानी हो, उसका एक बहुत बड़ा उपचार है, उपाय है। तो महामृत्युंजय आप आसानी से पढ़ें, दिन में 100 बार तो उसका पाठ ही कर लें, 100 बार, बहुत छोटा मंत्र है, आप बार बार प्रयत्न करते रहें। मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी भी है, वो भी उससे ख़त्म हो जाती है। ये बिल्कुल लाइव आपको बातें बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा जो भी आपकी राय हो। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।